It's Seema here again, and today I am going to share with you my biggest weakness. मैं आपसे अपनी सबसे बड़ी वीकनेस शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बताने वाली हूँ। अब आप पूछोगे, अगेन सीमा, तुम्हें कैसे पता मेरी सबसे बिगेस्ट वीकनेस क्या है? हाउ डू यू नो विच इज माई बिगेस्ट वीकनेस? हाँ, मुझे पता है आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि आप जितने अच्छे हो, आप में जितनी कैपेबिलिटीज है, उतना आप नहीं मानते कि आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटीज है। दैट मीन्स यू आर ऑलवेज सेलिंग योरसेल्फ शॉर्ट, यू आर ऑलवेज डेप्रिकेटिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट एबल टू थिंक हाउ गुड और आपके अंदर कितनी क्वालिटीज है। यू नो, हनुमान की तरह हम बैठे हैं, इतनी सारी क्वालिटीज आपके अंदर है, लेकिन आप उन क्वालिटीज को नहीं समझ पा रहे हो। एंड कर क्या रहे हम लोग बार बार, आप क्या करते हो या मैं क्या करती हूँ, हम लोग बार बार अपनी जो कमियां हैं, हमारे जो ड्रॉबैक्स हैं, हमारे जो शॉर्टकमिंग्स हैं, हम बार बार उनकी लिस्ट बनाते जाते हैं और हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं, हमारे अंदर जो क्वालिटीज है, उसको हम भूल जाते हैं। अब आप बोलोगे, तुम्हें कैसे मालूम कि ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है? है तो सही कि आई डोंट थिंक आई एम गुड एनफ, मुझे नहीं लगता कि मैं उतना अच्छा हूं या मुझे नहीं लगता कि मैं उतनी अच्छी हूं, बट तुम्हें कैसे पता? Again, I have learnt it from my life. So I come back again with you, messages from my life. जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, our life is whispering to us, our life is talking to us. लेकिन क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं जब वो अपने messages हमें देता है? मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैंने कभी अपने बारे में बहुत बड़ा ड्रीम नहीं सोचा, कभी ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बिग कुछ अचीव कर लूंगी। एक छोटा सा ड्रीम था कि हाँ, एक पढ़ लूंगी अच्छी तरह से, आई विल गेट अ गुड जॉब एंड उसके बाद बस जॉब में अच्छा कर लूंगी, दैट वॉज एंड शादी हो जाए तो बस अच्छे लड़के से शादी हो जाए या आपके लिए अच्छी लड़की से शादी हो जाए, बच्चे बच्चे हो जाए, दैट वॉज लाइफ। इतना ही बड़ा ड्रीम मैंने अपने लिए लाइफ में देखा था, बस खाने पीने की कमी नहीं हो, घर हो, दैट्स इट। मैंने इतना मीडियम साइज या स्मॉल साइज ड्रीम अपने लिए देखा था, एंड करते करते ये मिल भी गया, जॉब भी मिल गई, शादी भी हो गई, उसके बाद क्या? उसके बाद तो मुझे ड्रीम ही नहीं मिला, उसके बाद और क्या सोचो और क्या अचीव करो। एंड हुआ ऐसा नहीं था कि मेरे पास ड्रीम नहीं थे, मैंने उस ड्रीम को बहुत अंदर दबा दिया था, जो मैं चाहती थी आई हैड जस्ट यू नो उसको अपने अंदर ही आई हैड जस्ट दफन कर देते हैं ना, वैसे दफन कर दिया। क्यों दफन कर दिया? I wanted to be a life coach. I wanted to speak to people. I wanted to speak to you. मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा इतने अच्छे अच्छे लोग ऑलरेडी हैं, संदीप महेश्वरी है, महात्रिया है, इतने सारे लोग ऑलरेडी अपनी अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं, भला मुझे कौन सुनेगा? अगेन अ सेल्फ डेप्रिकेटिंग थॉट, अगेन सेलिंग माई सेल्फ शॉर्ट, खुद को छोटा समझना। एंड मैं नहीं, आप लोग सब भी किसी किसी फील्ड में बहुत अच्छे हो, लेकिन आप खुद को उतना अच्छा समझ नहीं पा रहे हो। फिर वही हुआ, मैं वैसे ही बहुत सारे साल निकाल दिए मैंने बिना कुछ अचीव किए, बिना कुछ अच्छा सोचे। हाँ, लाइफ एज सच चल रही थी, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं थे, खाने पीने की कमी नहीं थी, बट मैंने अपने ड्रीम को कहीं पर खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लकीली, ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, आई मेट द राइट पीपल, आई मेट पीक, आई केम अक्रॉस पीक इम्पैक्ट मेंटरशिप, वहां मैं विजय से मिली। And when I met Vijay, it is not that I am edifying him or something. We should always show our gratitude to जिसने हमारे life को positively impact किया है। तो जब मैं विजय से मिली, he was one of the biggest dreamer. ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत बड़ी गाड़ी थी या उनके पास बहुत बड़ा घर था, लेकिन उनके सोच का साइज, वो अपने बारे में जो सोचते थे, वो बहुत बड़ा था। And मैं उससे impressed हुई। Then I started reading some good books. I read Magic of Thinking Big, and I was shocked. मुझे realize हुआ कि यार मेरे को तो अभी तक दूसरी disease थी। I had a tragedy of thinking small. Tragedy of thinking small was my problem. And मैं सोच ही नहीं पा रही थी job और शादी के ऊपर। And then उसके बाद मेरी journey start हुई, and I am here with all of you. तो सेम स्टोरी, इसीलिए क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी, बहुत ज्यादा चांस है कि ये आपकी भी सबसे बड़ी वीकनेस हो। एंड क्या होता है ना, अगर आप सोचो, ऐसा हुआ ही होगा, इफ यू वुड हैव लाइक्ड सम गर्ल, या आपको कोई लड़का पसंद आया होगा, आपने उसको प्रपोज नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने प्रपोज? आई डोंट थिंक मैं उसके लायक हूं, या वो मुझे हाँ नहीं करेगी, आई डोंट थिंक आई एम गुड एनफ, ये थॉट्स, सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स हमेशा हमको आए। सोचो, कोई अच्छी जॉब की पोस्टिंग निकली, हमें लगा नहीं यार मैं इसके काबिल नहीं। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, हमें लगा नो नो नो, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस बिजनेस, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस अपॉर्चुनिटी, या कोई भी चीज आया, हमेशा वी हैव अंडर एस्टिमेटेड आवर कैपेबिलिटीज। सो टुडे लेट अस टेक अ ब्रेक। आज मैं आपके पास ये बोलने के लिए आई हूँ कि अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानो।
राइट डाउन फाइव ऑफ योर बिगेस्ट एसेट्स. बिगेस्ट एसेट्स मतलब बिगेस्ट स्ट्रेंथ. आपको क्या लगता है आपकी सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? वो डिसिप्लिन हो सकता है, अनकंडीशनल लव एंड सर्विस टू पीपल हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, सिंसियरिटी हो सकती है, यू नो लव फॉर पीपल हो सकता है, योर वर्क एथिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. यू नो यू कैन हैव समथिंग स्पेशल जो कि सिर्फ आपका है एंड वो उसको आप पहचानो. आपकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज हो सकती है, आपकी कुकिंग कैपेबिलिटीज हो सकती है, आपकी स्पीकिंग कैपेबिलिटीज हो सकती है, आपकी राइटिंग कैपेबिलिटीज हो सकती है. आप अपने एसेट्स को पहचानो. राइट द टॉप फाइव एसेट्स जो आपको लगता है कि आप उसमें बहुत अच्छे हो. देन यू टॉक टू योर क्लोज वंस. आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर वाइफ, इट कैन बी योर हस्बैंड, इट कैन बी एनीवन. टॉक टू देम एंड आस्क फॉर एन ऑनेस्ट ओपिनियन कि उनको क्या लगता है कि आपके टॉप फाइव स्ट्रेंथ क्या है. इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी. आप अपने फाइव स्ट्रेंथ्स को पहचानो. उसके बाद आप एक ऐसे सक्सेसफुल इंसान को देखो जो आपको सक्सेसफुल लगता है, आपके नजर में दैट पर्सन इज सक्सेसफुल. एंड देन यू कंपेयर. आप देखोगे कि जो आपने फाइव स्ट्रेंथ लिखी है उसमें एटलीस्ट वन स्ट्रेंथ में आप उससे भी अच्छे. दैट मीन्स अगर मुझे लगता है कि मिस्टर एक्स बहुत अच्छा है एंड आई राइट फाइव ऑफ माई टॉप स्ट्रेंथ, तो मेरा एक स्ट्रेंथ ऐसा होगा जो मिस्टर एक्स से भी बहुत अच्छा होगा. And that will give you the confidence that aap kisi se kam nahi. You have lot of capabilities and the only thing which you need to find out is your real self. To bas main yahi bolungi aap logon se, yahi request karungi, don't think small, have the power and guts to find out your real potential. Apne aap ko pehchaniye and definitely write down five of your greatest assets. Agar aap chahte ho comment box mein likh dijiye, aap apne friend se discuss kariye. But don't take this exercise shortly. This is not a motivation talk. This will take you to the next level. Do share your five strongest assets and dekhi, aapke life mein magic hota hai. Your biggest weakness will convert to your biggest strength and you will discover yourself. Thank you for listening to me. Love you all. And again, see you live tomorrow at 7 o'clock. Kya topic tha mere last life ka? Messages from my life. Problems, my problem in life, I have a problem. तो उसी का continuation हम करेंगे tomorrow at 7 o'clock. But आज के लिए इतना ही. Finding your biggest enemy, your biggest weakness and getting rid of your biggest weakness. Thank you everybody. Love you all. See you. Bye-bye and have a great, great day.